महानगर के सभी वार्डों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर मुख्यमंत्री ने पार्षद व जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक किया था और निर्देश दिया था कि गोरखपुर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के किए हर वार्ड में एक रैली निकाली जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि घर का कूड़ा नगर निगम की गाड़ियों में ही देना है, कूड़े को सड़क पर नहीं फेंकना है। तो हमने इसी तर्ज पर हर दिन 10 जोन के वार्ड को सिलेक्ट किया और 10 वार्डों की एक रैली निकाली, जिसमें लोगों को बताया गया कि घर का कूड़ा वार्डों में आने वाली नगर निगम की गाड़ी भेजी, एक नॉमिनल शुल्क लिया जाएगा, जिसके लिए जागरूक किया गया है कि इसके अलावा नागरिकों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए फीडबैक लिया जा रहा है। अपने शहर को अच्छा बनाने के लिए नागरिकों का भी योगदान है, जिसमें QR सिटी के जरिए व स्वच्छता ऐप के जरिए फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे गोरखपुर का नाम स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर वन हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्षद गणों के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक किया था और निर्देश दिया था कि गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक रैली निकाली जाए और प्रत्येक वार्ड में लोगों को जागरूक किया जाए कि अपने घर का कूड़ा नगर निगम की गाड़ियों में ही देना है, उसको नाली और सड़क पर नहीं फेंकना है। तो हमने इसी तर्ज पे हर प्रत्येक दिन हमारे जो नगर निगम को 10 जोनों में बांटा हुआ है, हर जोन के एक एक वार्ड को हमने सेलेक्ट किया और प्रत्येक दिन 10 वार्डों की एक रैली निकाली, जिसमें लोगों को हमने बताया कि घर का कूड़ा गीला और सूखा अलग अलग करके नगर निगम की जो गाड़ी जा रही है उसी में डालें और उसका 100 रुपये एक नॉमिनल शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए हमने जागरूक किया, साथ ही साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो सिटीजन फीडबैक है, अपने शहर को एक अच्छा बनाने के लिए, अपने शहर को अच्छी रैंक दिलाने के लिए नागरिकों का भी योगदान है, तो उसमें QR कोड के जरिए, वोट फॉर योर सिटी के जरिए, स्वच्छता ऐप के जरिए, इन माध्यम से आप अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं और गोरखपुर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर की श्रेणी में स्थान दिलाने के लिए सभी नागरिक प्रयास कर सकते हैं। तो इसी के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह जहां हमारे कॉलेजेस हैं, जहां हमारे स्टूडेंट्स हैं, जहां हमारे नागरिक आते हैं, जहां हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, सब जगह पे हम इसको प्रचारित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक फीडबैक दीजिए ताकि अच्छी रैंकिंग आएगी, गोरखपुर का नाम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर, उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे।